हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीजी किचन। आज हम लोग रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट रेसिपी बनाएंगे जो कि है ब्रेड रसमलाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध उबलने के लिए रख देंगे। जब दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा बादाम, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा पिस्ता, 6-7 तार केसर के और आधे छोटे चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम दूध को लो फ्लेम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारा दूध 1/4 नहीं बचता। यानी हमने 1 लीटर दूध लिया है तो जब तक 250 ml दूध ही नहीं रह जाता तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। आप इसे बीच बीच में बार बार चलाते रहें, हर 5 मिनट पे चलाते रहें और जो किनारों पे मलाई जम रही है उसे छुड़ाते रहें और दूध में मिक्स करते रहें। इससे हमारी रसमलाई के लिए बहुत ही अच्छी मलाई बनकर तैयार होगी। इस प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा दूध 250 ml ही रह गया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड करेंगे। आप इसमें चीनी बहुत ज़्यादा ऐड न करें क्योंकि दूध ऑलरेडी मीठा होता है और गाढ़े हो जाने के बाद और भी ज़्यादा मीठा हो जाता है और रसमलाई हल्की मीठी ही अच्छी लगती है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और मलाई को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी मलाई ठंडी हो रही है तब तक हम ब्रेड के सर्कल्स कट कर लेते हैं। आप किसी भी बॉटल के ढक्कन से या किसी छोटी कटोरी से इस तरह के ब्रेड के सर्कल्स कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे मेरे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो हमने सारे सर्कल्स कट कर लिए हैं और हमारी मलाई भी ठंडी हो गई है। अब हम ब्रेड के सर्कल्स को मलाई में डिप करेंगे और डिप करके बस 1 मिनट के लिए डिप करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे डिप न करें नहीं तो हमारा ब्रेड बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बस हम इसे डिप करके निकाल लेंगे। आप चाहें तो एक दिन पहले भी मलाई बनाकर तैयार कर सकते हैं और फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वैसे ये रसमलाई ठंडी ही अच्छी लगती है। बस फ्रिज में से मलाई निकालें और ब्रेड के सर्कल्स कट करके डिप करके इसे सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप रक्षाबंधन पे ये ब्रेड रसमलाई अपने भाइयों के लिए बनाएं और आपकी रसमलाई कैसे बनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।